30 जैन शिफ्ट 2 का आज आपको क्विक एनालिसिस देने वाला हूं। भाई साहब पैटर्न में एकदम कुछ नया आ गया है, जो पहले अभी तक 5 शिफ्ट में हुआ उससे कुछ अलग इस बार फाइनली होता दिख रहा है। देखो अगर तुम 99 परसेंटाइल लेकर आना चाहते हो अप्रैल अटेम्प्ट में, तो अगले कुछ मिनट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपकी एग्जाम के पैटर्न को समझने के लिए। सब्जेक्ट वाइज बात कर रहे होंगे, कट ऑफ कितना जाएगा पिछले शिफ्ट्स के कंपैरिजन में वो देखेंगे, और अब आने वाले एग्जाम में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो उसकी बात करेंगे। फिर शुरुआत सबसे पहले करूंगा केमिस्ट्री से। केमिस्ट्री में इस बार कुछ नया हुआ। देखो अभी तक इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक का वेटेज फिजिकल से ज्यादा आ रहा था, कैलकुलेशंस बिल्कुल भी नहीं थे, पर इस बार न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन सेक्शन 2 के अलावा सेक्शन 1 में भी फिजिकल केमिस्ट्री के दर्शन हुए उसको देखा गया, जिसके चक्कर में थोड़ी सी कैलकुलेशन बढ़ गई। तो जो केमिस्ट्री को अटेम्प्ट करने में बच्चों को 35-40 मिनट ही लग रहे थे, इस बार 45-50 मिनट तक लगे, तो सो कॉल्ड इफेक्टिवली थोड़ा सा टफनेस लेवल ऑफ केमिस्ट्री इंक्रीज हो गया। तो यार ये केमिस्ट्री में एकदम नया हुआ कि फिजिकल केमिस्ट्री से ज्यादा सवाल आए। सवाल कम किससे है, मोटा मोटा जो बच्चों से कोटा के बच्चों से इतने सालों से बात करी, ऑनलाइन वाले बच्चों से बात करी, तो मोस्टली इनऑर्गेनिक में से सवाल थोड़े से कम हुए हैं, उसकी जगह फिजिकल में सवाल बढ़ गए हैं। अगर थोड़ा सा इसमें और वेटेज की अपन बात करें, बहुत डिस्ट्रीब्यूटेड पेपर था, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ कि एक पर्टिकुलर सब टॉपिक में से केमिस्ट्री में सवाल पूछ लिए गए हो। अब आते हैं अपन फिजिक्स के अंदर। फिजिक्स इजीएस्ट था, जी हाँ केमिस्ट्री से भी आसान बच्चों को फिजिक्स लगा। यार आप कमेंट करके ये बता देना। अच्छा आगे बढ़ने से पहले बताता हूं, आपको कमेंट करके ये बताना है जितने भी बच्चों के एग्जाम हो गए कि अब आप क्या बदलाव करोगे अपनी प्रिपरेशन में, अपनी शिफ्ट की लर्निंग को लेकर कि अप्रैल में 99% आ जाए। एक चेंज जो आप करने वाले हो वो कमेंट करके बता देना। फिजिक्स पे वापस आते हैं, पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड पेपर, पर यूनिट डायमेंशन, काइनेमैटिक्स, एनएलएम जो बेसिक मैकेनिज्म होती है, मैकेनिक्स होती है, उसमें से सवाल देखे गए इस बार। ठीक है, बड़े चैप्टर जैसे रोटेशन में से शायद एक भी सवाल नहीं आया, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में से एक आधा आया, मॉडर्न फिजिक्स का काफी वेटेज इस बार पूछा गया। ठीक है, पर फिजिक्स भी ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूटेड थी, मॉडर्न फिजिक्स का वेटेज हर बार की तरह थोड़ा ज्यादा था, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन बेस्ड सवाल नहीं थे, तो फिजिक्स बच्चों ने 40-45 मिनट में इजीली अटेम्प्ट कर ली। अब आते हैं मैथ्स पर। मैथ्स वाज लेंदी, एज सच बहुत टफ नहीं बोल सकते, बट लेंदी काफी ज्यादा थी, तो मैक्सिमम बच्चे वही 10-12 से ज्यादा अटेम्प्ट इसके अंदर नहीं कर पाए। मैथ्स थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन वाइज देखें तो वेक्टर 3D से 4 सवाल करीब करीब बच्चे बता रहे हैं कि आए हैं। कैलकुलेशन काफी हद तक बहुत हैवी थी, कैलकुलस से बहुत सारे सवाल आए हैं, तो मैथ्स में थोड़ा डिस्ट्रीब्यूशन स्क्यूड है। वेक्टर 3D हर बार एक सिंगल विनर की तरह से निकल कर आ रहा है, और बुरी बात यह है कि इसमें बहुत लंबी चौड़ी कैलकुलेशन होती है। तो यार ये मेजर एनालिसिस है, मोटा मोटा मुझे बच्चों से बात करके ये लगा कि ये वाली जो शिफ्ट है ये अभी तक की सारी शिफ्ट में टफेस्ट शिफ्ट आई है। अगर मैं ओवरऑल देखूं तो अगर पहले 4 या 5 शिफ्ट में 180-190 पर 99 परसेंटाइल आ रही थी, तो इसमें 175 अराउंड 99 परसेंटाइल आ सकती है, ये इस पेपर का पैटर्न है। तो यार अगर आप अप्रैल में एग्जाम दे रहे हो, हर बच्चा सेम बात बोल रहा है, केमिस्ट्री में अगर फॉर्मूला पता है, एनसीईआरटी पता है तो आप फोड़ दोगे, फिजिक्स के अंदर अगर पूरे एक एक सब टॉपिक के फॉर्मूले आपको याद है, उनको अप्लाई करना आता है, फोड़ दोगे, मैथ्स के अंदर आपको एडवांस लेवल की प्रैक्टिस की जरूरत है तब जाकर जेईई मेंस होगा, तो 99 अगर फोड़नी है प्रेडिक्टर में तो ईसरल का बाउंस बैक क्रैश कोर्स, जिससे अपूर्व ने 2020 में 39 से 99.5 का जंप किया, अंतरा ने 15 से 99.5 का जंप किया, दीपक ने 45.2 से 99.79 और सुधांशु 26% से आईटी में पहुंच गया। ये बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि आज आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो गया होगा। अगर आपके अच्छे नहीं नंबर आ रहे तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि हो सकता है कि नहीं सकता, मैं आपसे बोला हो सकता है, और उससे फर्क भी नहीं पड़ता, अपनी जिंदगी का एक फाइनल शॉट, एक वो बोलते हैं ना, एक यार पूरा 100% मेहनत वाला टाइम बिताते हैं, चाहे आप 12th के हो चाहे आप ड्रॉपर हो, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, बहुत बढ़िया ऑफर चल रहा है, सब चल रहा है, मेन बात क्या है लाइव क्लासेस शुरू होने वाली है, डिटेल में पूरा पढ़ने वाले हैं अच्छे से, खूब क्वेश्चन प्रैक्टिस, खूब टेस्ट होगा, आ जाओ यार साथ मिलकर पढ़ते हैं, सेकंड अटेम्प्ट में 99 और फिर उसके बाद IIT भी फोड़ते हैं। तो जेईई मेंस का क्रैश कोर्स अलग है, मेंस प्लस एडवांस का अलग है, दोनों बाउंस बैक है। ठीक है, आ जाओ मिलते हैं, ऑल द बेस्ट।